बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी के फॉलोअर्स को मैं एक दफ़ा खुश आमदीद कहता हूँ और गुड न्यूज़ एंड न्यू ईयर के साथ साथ जनवरी के लिए गवर्नमेंट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू काफ़ी सारी जॉब्स इस दफ़ा अनाउंस की हैं एंड जिन्होंने अभी इसी फेज़ में टेस्ट दे के फ्री हुए हैं उनके लिए तो और अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी आप लोगों को रीसेंट एक्सपीरियंस भी हो चुका है और आप लोगों को पढ़ने का स्टैमिना भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो इस स्टैमिना को आप कंटिन्यू करें और ये जो टेस्ट होगा इसमें नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी है या जिसमें आप फॉल करते हैं उसको इन टाइम अच्छी तैयारी के साथ नेक्स्ट फेज़ में आप जाएंगे तो उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। यहाँ पर मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा, कई सारे मेरी जो ट्यूटोरियल होते हैं उनमें भी कमेंट्स पढ़ने को मुझे मिलते हैं, कई सारे लोगों का इत्माद नहीं है जो सर्विस कमीशन्स हैं FPSC NTS या जो भी है। NTS की मैं बात नहीं करूँगा, वो गवर्नमेंट ऑन नहीं है बल्कि एक प्राइवेट एंटिटी है। बाकी FPSC या जितने दूसरे हैं PPSC है या KPKSC है तो उनकी बात करूँगा तो मेरिट है। आप लोग ये ना कहें कि मेरिट नहीं है, तैयारी ना हो और जाके आपको टेस्ट देने के बाद सिलेक्शन आपकी कंफर्म नहीं होती, जो लोग होते हैं उनको पता है। और आप लोग ये माइंड में कभी भी ना रखें कि यहाँ पे मेरिट नहीं है। तो जॉब्स के बारे में बात करते हैं जो अनाउंस हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इनकी सबसे पहले जो मेंशन करने वाली बात है वो 20 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन जो काबिल लोग हैं, जो सिलेक्शन अपनी 100% के लिए एफर्ट करने वाले लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इस पे अप्लाई करें और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जो होते हैं कि लास्ट डेट को अप्लाई करेंगे फिर बाद में देख लेंगे, जब शेड्यूल आएगा तब जाके तैयारी करेंगे, तो इस तरीके से तैयारी नहीं होती। जो आपका अवेलेबल टाइम होता है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो ही तैयारी अच्छी होगी। तो केस नंबर सबसे पहले जो नंबर वन है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के मुतालिक, और BPS 16 है। इसके लिए सेकंड ग्रेड ग्रेड सी में बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसके लिए 100 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड टाइपिंग चाहिए शॉर्ट हैंड में, और जो टाइपिंग स्पीड है वो 50 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि शॉर्ट हैंड में 100 और जो टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे आप करते हैं वो 50 है, और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट यानी कि कंप्यूटर का उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो FPSC के लिए 9 वैकेंसीज हैं, मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप के लिए विंग के लिए एक है, NH के लिए 2 हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए 2 हैं, मिलिट्री फाइनेंस विंग के लिए 1 है, पोस्टल सर्विस के लिए 2 हैं, और फॉरेन अफेयर में 4 हैं, क्लाइमेट चेंज में 1 है, हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 1 है, और FBR में बहुत ज़्यादा हैं वो 22 हैं। आगे फर्दर डिवीजन भी है कि ये किस किस के हिस्से में फॉल करती है वो भी आप डिटेल देख सकते हैं साथ में। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन के लिए 3 हैं, STI के लिए 1 है, DR एंड FBR के लिए 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के लिए 1 है, इंटेलिजेंस IB के लिए 6 हैं, और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। और भी हैं स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल के लिए 52 हैं, पेट्रोलियम के लिए 1 है, इमिग्रेशन के लिए 3 हैं, लॉ एंड जस्टिस के लिए 25 हैं, और प्रोसिक्यूशन के लिए 1 है, नेवल हेडक्वार्टर्स के लिए 14, रेलवे के लिए 7। तो आगे चल के ये एक और भी है ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र, और टोटल मिला के 167 है। तो एडवाइज़ करूँगा जिनका कम अज़ कम बैचलर है वो अपनी शॉर्ट हैंड उनकी ऑलरेडी अगर स्पीड है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपनी स्पीड बना सकते हैं, कंप्यूटर की टाइपिंग भी बन सकती है, तो लाजमी अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो एक यहाँ पे कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, अक्सर सीटें खाली रह जाती हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की यहाँ पे और सीटें भी हैं,
जिनकी तादाद 8 है और आगे फर्दर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो भी सेम ही है। इसके बाद अकाउंटेंट, इसकी 7 सीटें हैं और ये तो आप लोगों को पता है कि जिसकी हम सीनियर ऑडिटर और अकाउंटेंट की तैयारी ऑलरेडी भी करवा रहे हैं और इसकी चलती रहती है, तो ये इसकी सीटें अलबत्त थोड़ी सी कम हैं, लेकिन ये है कि जो जिनकी तैयारी अच्छी हो वो तो ज़रूर इस ऑप्शन को भी अवेल करें। इसकी जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, बैचलर बी कॉम वगैरह इसके लिए चाहिए, सेकेंड क्लास बैचलर 4 ईयर्स ड्यूरेशन की होनी चाहिए, इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में या कॉमर्स में या स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में विद मैथमेटिक्स और बैंकिंग अकाउंट्स फाइनेंस, ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब के लिए 4 हैं और सिंध के लिए 1 है, KPK के लिए भी 1 है। इसके बाद है डायरेक्टर, प्रिंसिपल मेट्रोलॉजिस्ट ग्रेड 19 की है, ये आप अपनी देख सकते हैं, ये इसके कम ही एस्पिरेंट्स होंगे। बाकी जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BS 17 की एक ही सीट है और ये पंजाब के लिए। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी भी एक सीट है और ये सिंध रूरल के लिए है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड रिसर्च ऑफिसर है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं और ये पंजाब की 3 है, बलूचिस्तान की 1 सीट है। उसके बाद ट्रांसलेटर की एक ही है और ये पंजाब के लिए है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर BS 17 की है और ये 2 सीटें, एक पंजाब की है एक सिंध रूरल की है। और इसके बाद जुडिशियल मेंबर है, ये ग्रेड 21 की है, तो देख लें ग्रेड 21 के लिए तो एलिजिबल कैंडिडेट्स भी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17, ज़बरदस्त ये जॉब्स आई हैं, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 55 हैं और मेरिट पे 1 होगी, पंजाब की जो है 28 हैं। इसके अलावा ओपन मेरिट पे पंजाब की जो 28 में से 24 जो ओपन मेरिट के लिए हैं, वुमेन के लिए 3 हैं और मिनोरिटीज़ के लिए 1 है। सिंध रूरल के लिए 6 हैं और सिंध अर्बन के लिए 6 हैं। KPK की 7 सीटें हैं, GB फाटा की 1 है, बलूचिस्तान की 5 हैं, AJK की भी 1 है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है ये नैब की सीटें हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल पोस्ट है। और जो इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी भी आगे देख लेते हैं कि मांगा क्या है, 22 से 30 साल तक एज और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कि 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन मास्टर डिग्री और 16 ईयर एजुकेशन इन क्रिमिनोलॉजी में, लॉ में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वाले भी कर सकते हैं। तो ये देख लें कि इसमें सिंपल जो मास्टर नहीं मांगा हुआ, बल्कि साथ में MBA इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वाले फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर इसके अलावा BE BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं। तो इसकी 55 ये सबसे ज़्यादा जो है इस दफ़ा इसकी सीटें आई हैं। इसके अलावा जो अकाउंटेंट हैं, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की हैं और इसकी एक सीट है और ये डोमिसाइल पंजाब की है। बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, तो मतलब जिसकी अकाउंटेंट की तैयारी एक की अगर करते हैं तो दूसरे के लिए भी आप लाजमी अप्लाई करें। तो सम टाइम जो लोग डरते हैं कि एक सीट के लिए हम अप्लाई, तो डरने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो अप्लाई करने वालों की तादाद कम हो जाती है। तो मैं तो हमेशा आपको प्रेफर करूँगा कि कम सीटें हों तो लाजमी अप्लाई किया करें, ज़्यादा में तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BS 17 की है और ये 23 सीटें हैं इसकी। इसकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क का है, ये 3 सीटें हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर
मास्टर इन कंप्यूटर साइंस आईटी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, पंजाब की एक है, सिंध अर्बन की एक है, बलूचिस्तान की एक है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये AJK के लिए है। लाइब्रेरियन फीमेल 17 स्केल की, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं, पंजाब के लिए 2 हैं और सिंध अर्बन की एक है। इसके बाद लेडी वेलफेयर ऑफिसर BS 16 की है, इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है जी नेवल हेडक्वार्टर के लिए है, सेकंड ग्रेड सी, बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी विद सोशल वर्क एंथ्रोपोलॉजी, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सोशल वेलफेयर मैटर्स, और 20 से लेकर 28 साल एज है और 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी उसके लिए अवेल कर सकता है उसको। अच्छा जी, इसके बाद जो इसकी मेन आगे चल के डेट है, BS 16-17 की 300 फीस होती है, 18 ग्रेड की जो है 750 होती है, 19 की 1200 होती है और 20 से अबव की जो 1500 फीस होती है चलान फॉर्म पे जो जमा करवानी पड़ती है। और यहाँ पे डेट होगी टेस्ट की कि टेस्ट कब होंगे, तब तक आपके पास टाइम होगा, एस्टिमेटेड टेस्ट डेट दी गई होती है, उम्मीद है कि इसमें भी होगी कहीं ना कहीं, देख लेते हैं। अभी टेस्ट का कोई शेड्यूल नहीं है, इसमें कोई एस्टिमेटेड डेट नहीं है, तो हो सकता है कि जो मार्च के एंड में या अप्रैल में पेपर होंगे तो उसी स्केड्यूल के मुताबिक ही इनके भी टेस्ट होंगे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, उसमें अप्लाई करें, अकाउंटेंट की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, आप उसमें अप्लाई करें। मुझे ज़्यादा दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।